बालको अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री सीपी बैद ने कहा है कि सर्वांगीण विकास के रास्ते में संसाधनों की कमी बाधक नहीं होनी चाहिए। बालको प्रबंधन क्षेत्र के शैक्षणिक उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है और वह बच्चों के चहुमुखी विकास पर भरपूर ध्यान दे रहा है। यह बात श्री बैद ने मोती सागर पारा में कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए संचालित स्कूल में कही। इस स्कूल का संचालन बालको नगर के लॉयंस क्लब की ओर से किया जा रहा है। लॉयंस क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम के शुरू में बच्चों ने बालको अधिकारियों का स्वागत पुष्पगुच्छों से किया। कार्यक्रम में बालको अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री सीपी बैस सहित बालको के वरिष्ठ अधिकारियों ने कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए संचालित स्कूल का जायजा लिया। लायंस क्लब स्कूल के बच्चों ने बालको अधिकारियों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जिसमें प्रसन्न होकर बालको के मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री आर ए कृष्ण कुमार ने उन्हें नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। बालको प्रबंधन की ओर से बच्चों को स्टेशनरी और मिठाइयां भी वितरित की गई। इस मौके पर श्री बैद ने कहा कि दृढ़ संकल्प से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बालको अध्यक्ष ने वेदांत समूह के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि हम उनके संघर्षों से प्रेरणा ले सकते हैं। मैं खासकर आया हूँ नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलने के लिए, तो मेरी हर बच्चे से ये एक मेरा सुझाव है कि आपके मन में तो सपने हैं कि भाई हमको आगे बढ़ना है, लेकिन कई बार महसूस होता है जब आप यहाँ से जाते होंगे कि इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ हैं जिनके पास साधन ज़्यादा है, उनके पास कम हैं। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि साधन किसके पास कितने हों ये खुद के ऊपर निर्भर करता है, और इसका उदाहरण हमारे वेदांत समूह के जो चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। वो भी यहाँ जैसे साथी लोग बैठे हुए हैं मेरे संग में, इनसे भी एक छोटे रूप में आज से कोई 20-25 साल एक ट्रेडिंग करते थे, लेकिन दिल में एक सपना था कि कुछ ऐसा करना है जिससे मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ और कुछ समाज के लिए कर सकूँ। और उसी हिसाब से हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को समझोकर हमारी एनर्जी को चैनलाइज अगर किया है, उन्होंने किया है, और लोग जुड़ते जा रहे हैं, चालू किया एक छोटे से रूप में, और आज वेदांत समूह में दुनिया भर में करीब 25,000 हमारे खुद के कर्मचारी हैं। न केवल हम यहाँ कोरबा में हैं, हिंदुस्तान में कई जगह पे हैं, दक्षिण भारत में ट्यूटिकोरिन में हैं, बैटूर में हैं, इसी तरह बॉम्बे के पास में सिलवासा, औरंगाबाद, राजस्थान में उदयपुर, उड़ीसा में भी कारखाने लग रहे हैं। इसके अलावा विदेशों में ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, आर्मेनिया, ये सब जगह धीरे धीरे जाकर के केवल प्रबंधन कंपनियों का लेकर के और उससे आगे बढ़े हैं हम लोग। बालको के मानव संसाधन सह उपाध्यक्ष श्री आर्य कृष्ण कुमार ने कहा कि बालको प्रबंधन क्षेत्र के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बालको के सामुदायिक विकास विभाग प्रमुख श्री आर के खेर ने लोगों को बालको प्रबंधन की ओर से संचालित अनेक विकास कार्यक्रमों से अवगत कराया। मोती सागर पारा में जो कार्य हो रहा है,
एक ऐसा कार्य है जिसके लिए हम हमारा प्रबंधन जो है कभी पीछे नहीं रहा है, क्योंकि एक एक पिछड़ा हुआ वर्ग है जिसके लिए ये बच्चे यहाँ आते हैं और जिनके लिए बालको आगे बढ़ के जो है इनके सामुदायिक काम में जो है मदद दे रहा है, और हम इस काम में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। बैद साहब इसमें एक अपना इनका पर्सनल इंटरेस्ट रहता है और हमको जो है हमेशा इसमें मार्गदर्शन करते रहते हैं कि कैसे कैसे जो है हम सामुदायिक कामों में जो है हाथ बढ़ा सकते हैं। तो उसी कड़ी में जो है ये लायंस क्लब के साथ में जो हमारा एक पार्टनरशिप चल रहा है बहुत ही स्टार्ट हुआ है, और आगे और भी इसके इनिशिएटिव जो रहेंगे वो हम रोल आउट करते ही रहेंगे। धन्यवाद। बालको नगर लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने बालको अधिकारियों को बताया कि 18 वर्षों से संचालित कुष्ठ आश्रम स्कूल में क्लब की ओर से पढ़ाई लिखाई की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि शैक्षणिक सत्र 2005 में स्कूल ने पांचवी बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिए। लायंस क्लब के पदाधिकारियों ने बालको प्रबंधन की सामुदायिक विकास गतिविधियों की सराहना की। यहाँ पे इस स्कूल में लगभग 150 बच्चे अध्ययनरत हैं, जो कि शायद स्कूल जाने की तो बात ही क्या है, स्कूल के दरवाजे तक जाने की हौसला नहीं कर सकता था। उनके लिए लायंस क्लब बालको नगर विगत 18 वर्षों से निःशुल्क सिर्फ शिक्षा का ही प्रबंध नहीं करता है, बल्कि इनकी स्वास्थ्य के लिए भी समय समय पर शिविर लगाकर इनकी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जाँच करवाया जाता है। इसके साथ साथ इनको मनोरंजन के लिए भी लायंस क्लब बालको नगर समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करता है।